नमस्कार, वैष्णवी जी लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं धनिया पुदीने और हरे आम की चटनी बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। जो मैं धनिया और पुदीने की चटनी बनाऊंगी, उसका सारा सामान मैंने ले ली हूँ। ठंडियों में धनिया की चटनी बनाते हैं तो टमाटर डालते हैं। ये टमाटर थोड़ा कच्चा डालते हैं, एकदम लाल नहीं, थोड़ा हरा सा डालते हैं, इसलिए खट्टी होती है चटनी। तो ये आम का सीजन है, इसलिए हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं, इसको साइड में कर दे रही हूँ। इन सब को पहले अच्छी तरह से धो के, इसको भी नहीं साफ करी हूँ, धोई हूँ, सारा धो लूँगी। इसके बाद सारे पत्ते हम ऐसे करके निकाल लेंगे, धनिया के भी और पुदीना का भी। और पुदीना जो है खाना पचाने में बहुत मदद करता है, गर्मियों में इसका शरबत भी बना के पीते हैं। किसी दिन हम इसकी वीडियो डाल देंगे। और डाइजेशन में बहुत फायदा करता है पुदीना पेट के लिए। पहले हम इनको साफ कर ले रहे हैं अच्छी तरह से। अगर इसकी चटनी बन जाती है अच्छी, तो खाना खाते समय एक चम्मच सब्जी में डाल लो या दाल में भी डाल लो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप खा के देखना एक बार इसकी चटनी बना के। धनिया पत्ती ले ली, पुदीना का पत्ती, और दो आम है हमारे पास मीडियम साइज के कच्चे। हरी मिर्च है मेरे पास तीन, सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। अब हम आम का ये छिलका जो है सबसे पहले यही उतार ले रहे हैं। पहले इसका ये निकाल के आम को अच्छी तरह से छील लेंगे हम ऐसे। इस तरह से हम आम को छील देंगे। आम का पल्प मैं निकाल ले रही हूँ, इसका तो निकाल ली, गुठली जितना हो सके वहाँ तक। और इसको छोटा छोटा कर लेंगे। इसी तरह से हम इसका भी निकाल लेंगे। और ये मैं तीन हरी मिर्ची ली हूँ, अगर आप और तीखा खाना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम इसका भी पल्प निकाल ले रहे हैं। अब हमारा आम भी छिल गया है, अब हम सबसे पहले इसमें आम डाल दे रहे हैं। धनिया पत्ती भी डाल देंगे हम, पुदीना की है धनिया की ये है, इसको भी हम डाल देंगे इसी जार में। अब हम सौंफ भी डाल दे रहे हैं, जीरा, काला नमक, सादा नमक, और ये तीन हरी मिर्ची हमारे पास, इसको हम थोड़ा तोड़ लेंगे। अब मिक्सी में हम पीस लेंगे इसको, ढक्कन लगा लेते हैं। थोड़ा सा मैं घुमाई मिक्सी, छोटा हुआ, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल ले रहे हैं, अभी अच्छी तरह छोटी नहीं हुई है। इसे हम एक मिनट और मिक्सी में पीस रहे हैं। हमारी धनिया पुदीने की चटनी पीस गई है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की, आप देख सकते हैं चम्मच से। गर्मियों में बहुत फायदा करता है खाने में। हमारी धनिया पुदीने की चटनी तैयार हो गई है, कच्चा आम भी डाली हूँ। इसको फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन आप सब खा सकते हैं, बेहद स्वादिष्ट होती है। इसे समोसे, पूरी, कचौड़ी, किसी भी खाना खाते समय भी इसे खा सकते हैं। खाना के साथ थोड़ी सी चटनी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।